तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में और नए एक दिन में। तो आज तारीख है 23 दिसंबर और हम जा रहे हैं रण ऑफ कच्छ, जो वाइट रण है वो देखने के लिए, और आपको भी वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, आज 23 तारीख है और ऑलमोस्ट हम 3-4 दिन तक घूमेंगे वहाँ पे। जो जो टूरिस्ट प्लेस है सब आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी काफ़ी लेट हो चुका है तो बस अब निकल ही रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे जाके गाड़ी में। अभी बेसमेंट में है, पहले सामान रखते हैं फिर निकलते हैं। 3-4 दिन का सामान इतना हो जाता है ना। ये रहा अपना थार, भैया ने अच्छा साफ कर दिया है आज, देखिए। चलिए पहले सामान रख देते हैं। तो अभी हम साणन से आगे निकल गए हैं और अभी मैं आपको शांति से सब समझाता हूँ कि हम जा रहे हैं। अभी पहले जाएंगे भुज, तो भुज का डिस्टेंस जो अहमदाबाद से है वो कुछ 350 किलोमीटर है और वहां से 80 किलोमीटर है रण ऑफ कच्छ, जो वाइट रण है। तो वहां वो 80 किलोमीटर है, तो वो कुछ 1 घंटे का रास्ता है। पर आज हम रुकेंगे भुज में, तो अभी फिलहाल हम भुज में जाएंगे। तो 6 घंटा दिखा रहा है गूगल बाबा, तो 6 घंटे में पहले भुज पहुंचेंगे। आज होल्ड करेंगे भुज में, एक फ्रेंड भी है उनसे मिलेंगे, उसके बाद कल सुबह हम निकल जाएंगे कच्छ के लिए जो वाइट रण है, वहाँ जाएंगे, अच्छे अच्छे फोटो खींचेंगे। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो आप एक बात ये सोचिएगा कि आप रेड या ब्लैक कपड़ा पहन के आइएगा जब वाइट रण में आप जा रहे हैं, बहुत अच्छे फोटो आएंगे, पूरा एकदम कॉन्ट्रास्ट मैचिंग हो जाएगा। तो अभी तो हम साणंद से आगे निकल गए हैं, पर थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा आपको साणंद तक, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ ट्रक बहुत है, तो आपको ट्रैफिक तो मिलने ही वाला है। और काफ़ी सारा पब्लिक भी अभी वहीं जा रहा है, क्योंकि 3-4 दिन का छुट्टी है, तो काफ़ी सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो गाड़ी वहीं जा रही है, तो आपको वो भी ट्रैफिक मिलेगा अगर छुट्टी के टाइम आप जा रहे हो। और उस टाइम पे अभी क्रिसमस है और उस टाइम पे आ रहा है फुल मून, तो उसमें भी आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगा, वहाँ प्राइस भी थोड़े ज़्यादा है। पर आपका बजट ट्रिप अगर आप कर रहे हो तो आप भुज में रुक सकते हो और घूमने के लिए आप रण में जा सकते हो, 80 किलोमीटर जो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अगर आपका बजट का इश्यू नहीं है तो फिर आप वहाँ रण में भी रुक सकते हो टेंट लेके, 2-3 ऑप्शन है आपके पास। वहाँ आसपास में टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं जो आप घूम सकते हो अच्छे से, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तो हम यहाँ हाईवे पे आ गए हैं, तो अभी देखते हैं रास्ते में कुछ मिलता है तो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने आए हैं, तो कुछ नाश्ता करते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे जैसे मैं आपको जाऊँगा आपको बताता रहूँगा। और टोल आपका गूगल में अगर बता रहा है टोल, तो 420 रुपये जितना बता रहा है अहमदाबाद से। अगर आप कोई दूसरी लोकेशन से आ रहे हैं तो देख लीजिएगा कि कितना टोल है, और टोल आप ज़रूर रखिएगा अपने स्टिकर में, क्योंकि उसमें क्या है, अगर आप टोल नहीं रखेंगे ना तो आपको डबल देना पड़ेगा जो भी उसका प्राइस होगा। तो बेटर है कि आप पहले ही रिचार्ज कर दीजिए। काफ़ी बार क्या होता है ना, आप रिचार्ज करते हो और सेम टाइम में रिचार्ज नहीं होता है वहाँ टोल के टाइम, तो टाइम लेता है, तो उससे बेटर है कि पहले से ही करके निकलिए। तो अभी हाईवे पे है, ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाके आपसे बात करते हैं कोई और लोकेशन से। अभी फिलहाल हम काफ़ी आगे आ गए हैं, आई थिंक 200 किलोमीटर जितना मैंने कवर कर लिया है। तो अभी यहाँ पे बीच में कोई रेस्टोरेंट देख रहे थे, पर ये रास्ते पे कोई ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था, तो अभी मैंने देखा एक इस्कॉन गाकिया है शायद, इस्कॉन फूड मॉल लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा मिला है जहाँ पर हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा तो कोई रास्ते में था नहीं। तो आप भी आइए तो देखिएगा, आप धांगद्रा से आगे आएँगे या फिर धांगद्रा पहुँचने आएँगे उसके पहले आ जाएगा आपको इस्कॉन फूड मॉल। तो देखिए कुछ इस तरह का है, मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी यहाँ पे और पार्किंग भी अच्छा है यहाँ, आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अगर छाँव में पार्क करना है तो हमने भी थार यहीं पे लगाया है, तो आप पार्क कर सकते हो। और यहाँ पर ट्रक को अलाउ नहीं है, तो एक अच्छा बात है कि आप अच्छा पब्लिक आपको मिलेगा। तो चलिए अंदर पहले कुछ देखते हैं खाने का क्या है। यहाँ पे प्रॉपर लंच तो मिला नहीं है, फास्ट फूड टाइप ही है। अगर आप पिज़्ज़ा खाना है या पाव भाजी खाना है तो ऐसा कुछ खा सकते हो, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप सोच रहे हो चाइनीज़ वाइनीज़ तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ना बहुत सारे हंस भी है, देखिए ये ओरिजिनल है, मुझे पहले ऐसा लगा कि ये शायद नकली है।
ये सारे के सारे असली है। दूर से आपको ऐसा ही लगेगा कि एकदम नकली है, जब वो लोग एकदम स्टडी खड़े रहते हैं। तो फिलहाल तो हमने खाना खा लिया है, पर यहाँ पे एक बात ये है कि आपको मेन कोर्स नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ना चाइनीज़ मिलेगा, ना पंजाबी, ना गुजराती, आपको यहाँ फास्ट फूड टाइप ही खाना मिलेगा। सपोज़ आप गांठिया खाना चाहते हैं, थेपला है, या फिर वड़ा पाव है, मैगी है, पाव भाजी है, पुलाव है, तो ये सब आप खा सकते हो। चाय बहुत अच्छा था तो आप चाय खा सकते हैं यहाँ पे, तो और कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं था और फूड बहुत अच्छा था तो आप यहाँ खा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए अभी निकलते हैं आगे रास्ते पे। अभी हम दांगद्रा से थोड़े आगे हैं, जो एक सर्कल आएगा वहां से आप राइट साइड ले लीजिएगा जो हड़वत तरफ जाएगा, क्योंकि अगर आप दांगद्रा के अंदर जाएंगे ना सिटी में तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ये जो हड़वत वाला रोड है ना वो आपको बाईपास करके आगे हाईवे पे टच कर देगा। तो अगर आप आएंगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा, तो राइट साइड ले लीजिएगा, दांगद्रा के अंदर सिटी में मत जाइएगा। अब देखो यहाँ पे एक भी घर नहीं है, चारों तरफ बस वायर ही दिख रहे हैं, पता नहीं इतने सारे वायर, और यहाँ पे इतना काम चल रहा है, मतलब ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। ये वाला सिंगल वाला रोड कितने किलोमीटर से चलता आ रहा है, अब दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी, नॉर्मल रोड तो है ही नहीं, बस इतना काम चल रहा है आप देखो, और पूरा वायर का ही सब दिख रहा है, बड़े बड़े विंड मिल है। अभी हम हड़वत से काफ़ी आगे आ गए हैं, और हड़वत के बाद बहुत ट्रैफिक मिला हमें, ट्रक का इतना ट्रैफिक था, क्योंकि उसके बाद फिर मोरबी आया, मोरबी तो और ट्रैफिक बढ़ गया, अभी तक चालू ही है, अभी सिर्फ भूज अभी बाकी है 100 किलोमीटर, पर रास्ता भी थोड़ा बहुत ख़राब है, और ऊपर से ट्रक की वजह से आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा ना कि आप जल्दी निकल नहीं पाओगे। तो आप वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस लेके आइएगा, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि एकदम फास्ट निकल जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, कि बहुत ट्रैफिक है। हम भी कब से 60-70 के आसपास ही गाड़ी चल रहे हैं, ना 100 के ऊपर जा रहा है गाड़ी, और उससे पहले जब दांगद्रा आया उससे पहले तो 120-130 के ऊपर जा रहा था। तो आप ये सब सोच लीजिएगा कि आपको कौन सा रूट लेना है, क्योंकि यही रूट बेटर है, पर बस ये थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। बस 100 किलोमीटर बाकी, उसके बाद भूज पहुँच जाएंगे, भूज पहुँच के आज तो हम रेस्ट करेंगे, और कल सुबह हम जाएंगे फिर कच्छ। तो चलिए अभी चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कुछ दिखाने का कुछ है ही नहीं। तो अभी तो हम होटल में चेक इन कर लिया है, आते आते आई थिंक हमारा 6:30 बज गया था, और इतना कुछ खास है नहीं यहाँ सिटी में घूमने का, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ डेजर्ट तरफ ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे सिटी में तो लोकल ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कल सुबह, आज रात तो हम यहीं होल्ड करेंगे भूज में, उसके बाद कल सुबह हम निकल जाएंगे वाइट रन के लिए। तो अभी चेक इन किया है तो मैं आपको बताता हूँ होटल कैसा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा होटल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जगह है नहीं, तो होटल इतना कुछ आपको अच्छा मिलेगा नहीं, और प्राइस इतने हाई है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है, जो भी आते हैं वो विंटर के टाइम आते हैं, जो वाइट रन जाने वाले होते हैं वो लोग यहाँ होल्ड करके जाते हैं, तो वही आते हैं, बाकी पूरे साल कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे इन्होंने सजा के भी नहीं रखा है होटल, और ऐसे ही है कि चल रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ होटल कैसा है। तो ये कुछ रूम है, यहाँ पे एक बेड दिया हुआ है, टीवी है, एक अच्छा है कि चार्जर सब चल रहा है, यहाँ पे बाथरूम है, ये बाथरूम है, और ये मिरर है अगर तैयार होना है तो उसके लिए, बाकी और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, और इतना कुछ खास है लगा नहीं मुझे होटल कि जिसमें आप ज़्यादा पैसा दे पाओ। तो अगर आप भी आते हो तो देख लीजिएगा, ज़्यादा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा यहाँ पे। देखिए थोड़ा डेकोरेट किया हुआ है, पर इतना चाहिए उतना मेंटेन नहीं है, पर ठीक है, अपने तो खाली एक नाइट होल्ड करना है तो चलेगा इतना, तो अपने को तो एक नाइट होल्ड करना है तो इतना तो चलेगा। इसका भी प्राइस हमने शायद 3,000 के आसपास दिया है, क्योंकि सबसे कम यही था, उसके ज़्यादा फिर आप चाहे तो 5-6 हज़ार का था, पर मुझे इतना लगा नहीं इन्वेस्ट करने का वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने ये होटल लिया है। अगर ऐसा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका होटल का नाम है होटल वाइट डेजर्ट, अगर आप बुक करना चाहते कर सकते। इसका प्लस पॉइंट ये है कि होटल के नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ खाना आपको नीचे ही मिल जाएगा, आपको चाय चाहिए या फिर खाना चाहिए कभी भी आपको रूम तक आ जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट ये है ये होटल का, वही देख के मैंने ये बुक किया था। पार्किंग भी अच्छा है, आपको होटल के आगे ही पार्किंग मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है।
मैं ऐसा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा बुक करना अगर आपको है तो। तो अभी हमें तंदूरी चाय मंगवाया है और ये कुछ कैफ़े है यहाँ पे गुगली, तो आप देख सकते हैं इसका कुछ मेनू है, ज़्यादा मेनू बताने जैसा नहीं है क्योंकि बहुत सारा वैरायटी है। ये कुछ कैफ़े ऐसा है, 0.5 में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत सारा रेस्टोरेंट है इस तरफ भी है तो आप खा सकते हैं। तो फिलहाल ये चाय है, चलिए पीते हैं। तो अभी थोड़ा बाहर निकले हैं, ये सब रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ना ये हमारा होटल है और ये सब रेस्टोरेंट है। अगर आपको खाना है तो आप नीचे आ सकते हैं, बहुत सारा वैरायटी मिलेगा। और ये मेन रोड है, मेन रोड पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं आप, ये मेन रोड है और ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रेस्टोरेंट है, आपको डोसा या फिर चाइनीज़ पंजाबी सब कुछ। अभी एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हैं क्योंकि अभी टाइमिंग हो रहा है, 8 बज रहे हैं तो सोचा खा ही लेते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में आए हैं, रेस्टोरेंट का नाम थोड़ा अजीब है, अंबरसरी नाम है जो हमारे होटल के नीचे ही है, तो वहाँ पे हम खाने के लिए आए हैं। तो देखते हैं, हमने ऑर्डर किया है एक मंचाओ सूप, एक सोया चाप था तो चिली सोया चाप और गुलाब जामुन, देखते हैं कैसा फूड है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आ सकते हैं कि नहीं। ये कुछ मेनू है इनका, अच्छा है मेनू, अच्छा सजा के दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है सोया चाप, पनीर का आइटम है, सूप है, ये चाइनीज है, तो आप मंगा सकते हैं यहाँ पे। मैं टेस्ट करके फिर आपको बताता हूँ कि आप यहाँ आ सकते हैं कि नहीं खाने के लिए, कि इनका फूड कैसा है। तो अभी सूप मंगाया है, ये है मंचाओ, देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। और ये गुलाब जामुन भी हमारे आ गए हैं, देखते हैं, चलिए टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और ये दूसरा आइटम मंगाया था सोया चाप, जो चिली सोया चाप, ये सोया चाप आया है, अच्छा है फूड, खा सकते हैं। ये वाला होटल पे आए थे हम, अंबरसरी, तो हमने खा लिया है, तो अभी हमने खा लिया है। मैंने आपको बताया जैसे कि तो अच्छा था फूड, कुछ चीज़ ठीक नहीं था, जैसे कि सूप बहुत पतला था तो मज़ा नहीं आया इतना, गुलाब जामुन अच्छा था और सोया चाप भी ठीक ठाक था, पर ठीक है यहाँ ज़्यादा कुछ अगर आपको ऑप्शन रेस्टोरेंट का मिलेगा नहीं ये होटल के आसपास, बाकी फ़ास्ट फूड ही होगा तो आप खा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं होटल के अंदर, थोड़ा आराम करते क्योंकि सुबह जल्दी उठ के निकलना है हमें रण के लिए। तो चलिए अभी रूम में चलते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट कल सुबह। The next day. Good morning. आपका स्वागत है एक नए दिन में, आज है डेट 24 और अभी फ़िलहाल सो के मैं उठा हूँ। अभी हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने के लिए क्योंकि होटल में आता नहीं है चाय, तो अभी नीचे जहाँ पे कल हमने चाय पिया था तंदूरी चाय जो 20 रुपीज़ का आता है, कुल्लड़ में आपको देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने, अभी नहाना बाकी है, जस्ट उठे हैं, उठ के जस्ट ब्रश वश करके फ्रेश हुए हैं, अभी नीचे जाके चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कहाँ निकलते हैं क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ, लोकेशन अभी एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा रूट लेके हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए अभी पहले नीचे चलते हैं चाय पीने। तो फिलहाल अभी चाय पी लिया है, बस अभी ऊपर ही जा रहे हैं होटल में, फिर नहा धो के फ्रेश होके निकलते हैं। देखते हैं अभी सब टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे है तो बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है, यहाँ से लेके सब गाड़ी टूरिस्ट का है क्योंकि सब पासिंग अलग अलग है, वहाँ भी बहुत सारा भीड़ आपको शायद दिख रहा होगा। बस तो ऐसा ही कुछ हलचल है सुबह का यहाँ का पूछ का, बस हम निकल ही रहे हैं। ये था अपना होटल, ठीक ठाक था, इतना कुछ अच्छा था नहीं, बस चेकआउट ही कर रहे हैं। ये कुछ होटल है अपना, अपना रूम नंबर है 106। बहुत चिल्लम चिल्ली।